एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उनके निवारण के लिए वो भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा और उनसे पूछा कि कौन इस समस्या का समाधान कर सकता है। ये सुनने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने एक स्वर में खुद को इस योग्य बताया। ये सुनने के बाद भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए, लेकिन असमंजस में पड़ गए कि दोनों में से किसको ये कार्य सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा वह देवताओं के संकट के समाधान के लिए जाएगा। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, वे उस पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी की सवारी मूषक है, उनके लिए मोर की तुलना में पहले परिक्रमा कर लौट आना संभव नहीं था। गणेश जी बहुत ही चतुर हैं, वे जानते थे कि चूहे पर सवार होकर वह पहले पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक उपाय सोचा, वे अपने स्थान से उठे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की सात पैर परिक्रमा करके वापस अपने आसन पर विराजमान हो गए। और उधर जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तो उन्होंने स्वयं को विजेता घोषित किया, क्योंकि गणेश जी तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे। तब महादेव जी ने गणेश से पूछा कि वे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए और उनकी परिक्रमा क्यों की। इस पर गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार है, इस वजह से उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी। और गणेश जी के इस उत्तर से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने को भेजा। साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करेगा और चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसके संकटों का समाधान होगा, पापों का नाश होगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पांचांग के अनुसार हर महीने दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकृष्टि चतुर्थी कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। भगवान गणेश की नियमित पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी तिथि को पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि चौथ के चांद को देखने से झूठा कलंक लगता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर पूजा आरंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य अक्षत और उनकी प्यारी दूर्वा घास अर्पित करें। उसके बाद मिठाई या मोदक का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरती करें। भगवान गणेश को सिंदूर भी बहुत प्रिय होता है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहत्याम। आइए अब शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यह कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता।
उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से 3 बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो पहले नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता रहा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ में ही आवाज लगाते रहे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गाँव के बाद दूसरे गाँव में इसी तरह चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी वहाँ पर उन्होंने एक बुढ़िया को देखा जो कि शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वहाँ से भी गणेश जी यही पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने उसे कहा, माई, अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर झोंपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से एक बड़ा सा पतीला ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा, दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते रहे। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान गणेश ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरी खीर बना दो
और मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद बुढ़िया हर घर में जाकर खीर खाने के लिए दावत का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ। खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, अब तो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू ने दावत की बात सुनी तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे हुए पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा नीचे जमीन पर गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा कि बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, आओ भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई मेरा भोग तो लग गया है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब खीर को तू खा, अपने परिवार को खिला, अपने गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा तब भी खीर बच जाएगी, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। अब वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी बनवाया। इससे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते, पूजा करते और मान्यताएं मानने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। इसलिए हे गजानन, हम आपसे विनती करते हैं कि जैसी तुमने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही कहते की, सुनता की और हुंकारा भरते की सब पर कृपा करो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी की और सारे देवताओं को बुलाया और देवता लोग कहने लगे, हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो एक मन मूंग, सवा मन चावल और खूब सारा घी नाश्ता एक बार में ही खाने के लिए चाहिए। इसके तो सूंड भी है, लंबे लंबे कान हैं, ऊंचा माथा है, इसको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्मा जाएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ चलते हैं। सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उनसे गणेश जी का ये हाल नहीं देखा गया और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए हैं। तुम्हें ले जाने से उनकी बारात बुरी लगती ना, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए हैं। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, तुम धरती को खोखली कर दो। गणेश जी ने नारद जी के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई एक जाकर बड़ई को बुला लाया। बड़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विंध्यायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विंध्यायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला, विंध्यायक जी, गणेश जी, गणपति को याद किए बिना क्या कोई कार्य होता है? क्या तुमने बारात की चढ़त से पहले गजानन को नहीं मनाया या उनका पूजन नहीं किया? इसीलिए आपके ऊपर यह मुसीबत आई है और आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। तब वे देवता बोले, हम तो गणेश जी को घर पर ही छोड़ आए हैं। फिर सभी ने मिलकर
गणेश जी की जयकार करते हुए उन्हें विवाह में आमंत्रित किया और श्री हरि का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी शैकुशल अपने घर लौट आए। हे गणपति, जिस प्रकार आपने नारायण भगवान तक के कार्यों को सिद्ध किए, उसी प्रकार अपना सुमिरन, पूजन और आराधन करने वाले सभी प्राणियों के विघ्नों को हरते रहो और उनके कार्य सिद्ध करते रहो। ओम गम गणेशाय नमः। भगवान गणेश, जिन्हें हम सभी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजते हैं, पूजा पाठ हो, घर में कोई शुभ कार्य हो या कोई अन्य आनंद महोत्सव, सबसे पहले गणपति का ही पूजन किया जाता है। तो चलिए आज सुनते हैं गणेश भगवान के विवाह का वृतांत। एक बार भगवान गणेश घने वनों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां से देवी तुलसी निकली। गणेश जी की विचित्र छवि ने तुलसी जी को बहुत प्रभावित किया। तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करना चाहा। ध्यान से उठने पर भगवान गणेश से देवी तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरा साथ स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने देवी तुलसी जी से विवाह करने से मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि आज तुम शादी करने से मना कर रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हारी दो दो शादियां होंगी और दोनों पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश जी की भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह गणेश से नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था। विवाह ना होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जब भी किसी देवी देवता का विवाह होना तय होता तो वो उसमें विघ्न डाल देते और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी बहुत मदद करता था। वह विवाह स्थल पर पहुंचकर वहां पर फल, मिठाइयों और मंडप को अपने नुकीले दांतों से कुतर कुतर कर सब कुछ तहस नहस कर देता था। गणेश जी के इस कृत्य से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले, इस समस्या के समाधान के लिए तो हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना पड़ेगा। जब वे सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा गया। इन दोनों पुत्रियों को यह आदेश दिया गया कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे तो उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न ना आ सके। 6 माह तक रिद्धि और सिद्धि इसी तरीके से गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रहीं। तब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगे रहने के कारण सभी देवी देवताओं का विवाह संपन्न हो गया है और वे अविवाहित ही रह गए हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इसका पता लगने के बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए और भगवान गणेश से रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भगवान गणपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ही देवी तुलसी का श्राप भी सच हो गया। भविष्य में उनके दो पुत्र शुभ और लाभ भी हुए और साथ ही एक पुत्री देवी संतोषी का भी प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।